इतनी बुरी तरह हाथ मेरा पूरा जला है। इस हाथ में और इस हाथ में आपको फर्क दिख ही रहा होगा। यह वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो में किए गए सभी एक्सपेरिमेंट और कार्य पूरी सेफ्टी और पूरी जानकारी के साथ किए गए। कृपया आप ऐसा कुछ भी घर पर ना करें। गाइस थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा आज की वीडियो किस बारे में होने वाली। गाइस आज हम करने वाले कि ऐसा एक्सपेरिमेंट आज करने वाले हम दो गैसों में कंपेयर। गाइस आज हमारे पास है हाइड्रोजन और एसिथिलीन गैस। गाइस दोनों ही गैस जो है फ्लेमेबल गैस है। इन दोनों ही गैस बहुत डेंजर गैस है। आज हम इन दोनों में करने वाले कंपेयर कि इन दोनों में से कौन सी गैस ज्यादा खतरनाक है। तो गाइस सबसे पहले हम इन गैस को बनाएंगे। बिना लेप के गैस कैसे बनाते हैं, इन दोनों गैस को हम बिना लेप के बनाएंगे। उसके बाद जो हम दोनों गैस को स्टोर करेंगे बलून में और उसके बाद हम करेंगे इनका टेस्ट। उसमें लगाएंगे फिर हम आग, देखते हैं दोनों गैस में से कौन सी गैस खतरनाक है। तो हेलो गाइस वेलकम है आपका आपके अपने YouTube चैनल द ब्लैक इज़ द एक्सपेरिमेंट में आपका भाई साहिल। तो आइए टाइम वेस्ट के बिना वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बनाएंगे गैस। बिना लेप के हम गैस कैसे बनाते हैं, दोनों हाइड्रोजन और एसिथिलीन गैस हम आपको घर पर ही बना कर दिखाएंगे। गैस बनाने के लिए हमारे पास जो सामान है मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस हमारे पास ये एल्युमिनियम फॉइल पेपर, ये लाइटर है टेस्ट के लिए, ये कैल्शियम कार्बाइड और ये हमारे पास दो बोतल है, ये बलून है और गाइस ये हमारे पास जिस कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और गाइस ये हमारे पास पानी। तो गाइस गैस बनाने के लिए सबसे पहले हमें पानी चाहिए। पानी जो है हम दोनों बोतल में थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं। ये थोड़ा पानी हमने इस बोतल में डाला और थोड़ा पानी डालेंगे हम इस बोतल में। तो गाइस हमने दोनों बोतल में पानी डाल दिया है। हम सबसे पहले जो बनाएंगे एसिथिलीन गैस बनाएंगे। एसिथिलीन गैस के लिए जो हमारे पास एल्युमिनियम फॉइल था तो हमने उसको ऑलरेडी छोटे छोटे ये बारीक बारीक पीसेस कर लिए है। ये इनको हमने मोड़कर फोल्ड कर करके छोटे छोटे बना लिए है। अब जो है हम सबसे पहले इसको इस बोतल में डाल देते हैं। तो गाइस ये हमारे एल्युमिनियम फॉइल इस बोतल में डल रहे हैं पानी में और ये सारे हम फॉइल एक साथ डालेंगे इसमें। एसिथिलीन गैस जो है ये फ्लेमेबल गैस है, ये काफ़ी ख़तरनाक है और ये बोतल भी गर्म होगी इससे। तो इस चीज़ को भी हम थोड़ा सेफ्टी से काम करना है और कृपया आप ऐसा प्लीज़ ऐसा कुछ भी घर पर ना करें ये, क्योंकि बहुत ही ख़तरनाक चीज़ होती है ये। तो गाइस ये हमने इसमें डाल दिया है। अब इसमें डालने के बाद जो है हमारे पास जो है अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं हम थोड़ा और ये हम डालेंगे इस बोतल में। तो गाइस ये हमने इस बोतल में डाल दिया है। इसको हम थोड़ा सेक कर देंगे, ये अभी थोड़ा टाइम लेगा गाइस। और ये जो हमारा बलून है हम बलून इसके ऊपर ये लगा देते हैं, ये रेड वाला बलून इसके ऊपर लगा देते हैं। अब ये थोड़ा टाइम लगेगा इसमें रिएक्शन, इतने रिएक्शन होती है इसके, इतने हम जो है अपनी जो हम हाइड्रोजन गैस है वो बनाना शुरू करेंगे, इतने इसमें रिएक्शन होगी। ये हल्के हल्के देखो एयर आनी शुरू हो गई इसमें, ये गैस स्टोर होनी शुरू हो गई है। अब हमारे पास जो है ये दूसरी बोतल है तो इसके अंदर हम डालेंगे कैल्शियम कार्बाइड, जो हमारे पास ये छोटे छोटे पीसेस है इसका, ये पीस हम इसमें डालने के बाद जो है गाइस, और ये हमारे पास जो है कैल्शियम कार्बाइड है, अभी हम इसमें डालेंगे कुछ पीस और इसके बाद हमें बैलून इस पर लगा देंगे। ये हमने बैलून इस पर लगा दिया है, बहुत ही ज़रूरी है सेफ्टी इसमें। तो ये गांधी जी ने मुझे गिफ्ट किया था चश्मा, मैं ये चश्मा लगा लेता हूँ। ये दिख रहा होगा इसमें हमने कैल्शियम कार्बाइड डाला था, तो देख रहा होगा आपको कि किस तरह से एसिथिलीन गैस बन रही है इसमें। एसिथिलीन गैस ये इसमें बनने लगी है, ये एसिथिलीन बन रही है और ये जो अपना हाइड्रोजन गैस बन रही है इसमें। ये दिख रहा होगा आपको बहुत स्लो रिएक्शन हो रही है इसमें और ये आपको दिख रहा होगा बैलून बलून फूलने लगा है। जो हमारे पास एसिथिलीन गैस थी तो थोड़े कन्फ्यूज़न हो गई इसमें, इसमें उल्टा हो गया, इसमें हाइड्रोजन गैस है। दोनों गैस रिएक्शन दिख रहा होगा आपको कितनी बढ़िया तरह से रिएक्शन कर रही है, बलून भी दिख रहा होगा आपको, ये दोनों जो है बहुत ही अच्छी तरह रिएक्शन कर रहे हैं। तो गाइस इसने गैस इसमें स्टोर होती है, हम दिखाते हैं आपको कि स्टोर होने के बाद ये क्या होता है। गाइस दिख रहा होगा आपको किस तरह से रिएक्शन होने लगी है, बैलून दिख रहा होगा आपको इनका साइज कितनी जल्दी से बढ़ता जा रहा है। ये गाइस इसमें है हाइड्रोजन गैस और इसमें एसिथिलीन गैस, ये दोनों ही काफ़ी अच्छे रिएक्शन कर रही है, गैस बहुत ही अच्छी तरह वर्क कर रहे हैं दोनों है। अब दिख रहा होगा बलून का साइज़ जो है कितना बढ़ चुका है, इसमें काफ़ी गैस स्टोर हो चुकी है। अब ये हम इनको टेस्ट करने वाले ब्लास्ट करके, तो आइए अब हम आपको इनको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो
तो गाइज ये हमारे पास एसिथिलीन गैस का बलून है। अब हम इसमें करने वाले फायर, इसमें लगाने वाले हम आग, तो देखेंगे अब इसमें कैसा स्पॉट होता है। तो इस पे आग लगाने से पहले मैं थोड़ी दूरी बना लेता हूँ, इसमें सेफ्टी फर्स्ट है। ये थोड़ी दूरी से मैं इसमें आग लगाऊंगा आपको। ये गाइज ये देखिए किस तरह से ये वर्क करेगी, मैं थोड़ा सेफ्टी के लिए पीछे हो जाऊंगा। तो गाइज ये देखा आपने कितना खतरनाक इसमें विस्फोट हुआ। ये देखिए पूरा किस तरह से ये ब्लैक स्मोक्स हो गया, ये हाथ तक पे स्मोक आया है। ये बहुत ही डेंजर था गाइज। और ये देखिए बोतल का क्या हुआ है, बिल्कुल ये बहुत खतरनाक है। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी ना करें। तो गाइज आपने देखा कि एसिथिलीन गैस कितनी खतरनाक होती, कितना खतरनाक विस्फोट आया, यहाँ तक कि मेरा भी हाथ जल गया पूरा। उस टाइम इस पर स्मोक आया था, लेकिन अब जो है पूरे हाथ में से आग निकल रही है पूरा। देखो इसमें कितना फ़र्क हो गया है, हाथ भी वाइब्रेट कर रहा है पूरा, है ये पूरा हाथ मेरा जल गया है। तो गाइज़ प्लीज़ आप ऐसा कुछ भी ना करें। हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस थी उसका भी हम ब्लास्ट करना था, लेकिन अब मैं वो ब्लास्ट नहीं करूँगा। मतलब काफ़ी ज़ोर से, काफ़ी तेज़ मेरा हाथ में जो है अब जलन सी हो रही है, पूरा हाथ जल गया। ऊपर के बाल तो सारे ही ख़त्म हो गए हाथ के, ये हाथ भी काला हो गया, देख रहे हो आपको कितना वाइब्रेट कर रहा हाथ भी खुद। ये देखिए कितना फ़र्क हो गया इस हाथ में, इस हाथ में। तो गाइज़ ये हाथ बहुत ही तेज़ इस टाइम दर्द कर रहा है, पेन कर रहा है। तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ ना करें। अब जो है हम हाइड्रोजन गैस का भी टेस्ट नहीं करेंगे, वो मतलब इससे हल्का होता है। एसिथिलीन गैस ज़्यादा खतरनाक होती है गाइस, पता नहीं चला एकदम से मतलब इतना गैस कैसे बना और इतना खतरनाक विस्फोट कैसा हुआ। इससे पहले हमने टेस्ट करा था, बहुत हल्का सा विस्फोट हुआ था, तो लेकिन आपको पता नहीं चला एकदम से। तो गाइस प्लीज़ आप ऐसा कुछ ना करना। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यार चैनल को तो सब्सक्राइब करी तो कितने खतरनाक, कितना खतरा उठाना पड़ा आज वीडियो बनाने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह, नहीं इस तरह की वीडियो में हम नहीं मिलेंगे, बहुत खतरनाक होगी वीडियो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।